please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हम न्याय देंगे। जो लोग इस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुसलमान है। हमारी कोर्ट में सीधा है, टिट फॉर टैट, जैसे पहले होता था श्री राम के दरबार में होता था। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पूछने वाले कौन हैं? ये लोग जो देश की संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था से अलग अपनी एक अदालत खड़ी करना चाहते हैं, इन्होंने इस अदालत को नाम दिया है हिंदू न्यायपीठ। जब आपके शासन काल में भी हो रहा है, तो आप ये कहने के लिए कौन है ये भगवाधारी महिला जो हिंदू समाज की अलंबरदार बनकर अलग मुसलमानों की शरिया कोर्ट की तर्ज पर हिंदुओं के लिए एक अलग अदालत बनाने का मंसूबा पाले बैठी है? इस महिला के बारे में जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची अलीगढ़। जिस दिन देश आजादी का जश्न मना रहा था, तिरंगा फहराया जा रहा था, उस रोज कहीं पर एक और परचम बुलंद किया जा रहा था, वो था हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए। और घोषणा की गई हिंदू महासभा की तरफ से देश में पहला हिंदू कोर्ट खोलने की। सिर से लेकर पैर तक भगवा वस्त्र धारण की इस महिला का नाम है पूजा शकुन। पद है हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव और देश के संविधान को दरकिनार कर बनाए जा रहे पहले हिंदू कोर्ट की तथाकथित न्यायाधीश। हिंदू कोर्ट को समझने के लिए कुछ दिन पीछे चलना होगा। अगस्त 2018 की सुबह देश तिरंगे को सलामी दे रहा था। तब देश की राजधानी दिल्ली से महज 111 किलोमीटर दूर मेरठ में हिंदू महासभा ये ऐलान कर रही थी कि मुस्लिमों के शरिया कोर्ट की तर्ज पर अब इस मुल्क के हिंदुओं का इंसाफ न्यायपालिका नहीं बल्कि उनका हिंदू कोर्ट करेगा। डॉक्टर पूजा शकुन पांडे को इस हिंदू न्यायपीठ का पहला न्यायाधीश घोषित करते हुए सवाल ये कि आज तक जब सारे मामले सेशन अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निपटते आए हैं, तो हिंदू कोर्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस माजरे को समझने के लिए हमारी टीम अलीगढ़ के इस मकान पर पहुंची जहां लिखा है आजाद भवन। आजाद भवन में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे और उनकी पत्नी पूजा शकुन रहते हैं। पूजा शकुन हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव हैं। मकान के अंदर जाने पर हमने देखा कि वहां महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। हमने जब पूजा शकुन से हिंदू कोर्ट बनाने की जरूरत के बारे में पूछा तो जवाब क्या मिला सुनिए। इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की केंद्र व्यवस्था, इस देश की राज्यों की व्यवस्था जो है वो सर्वव्यापी है, आप सबको पता है। और वो जो परिस्थिति आज के समय में एकदम से जनरेट हो गई, उसने हमें फोकस किया। इनका कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को दबाया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है और इन सब के लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं देश की न्याय व्यवस्था। हिंदुओं को हमेशा दबाया गया, एक विशेष वर्ग को का लाभ उठाने के लिए हमारे बीच में हमारे समाज को तोड़ने की प्रक्रिया सालों पहले शुरू कर दी गई थी। वो तो अंग्रेजों ने ही कर दी थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो छोड़ के गए थे कि धर्म के आधार पर फूट डालो और राज करो और चले गए। और आज जाति के आधार पर फूट डालो और राज। हिंदू महासभा के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह है मुसलमानों की शरिया अदालतें। इनका कहना है कि मुसलमानों के शरिया कानून की तर्ज पर हिंदू
अपना कानून क्यों नहीं बना सकते? हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे खुद इस बात को कबूल करते हैं कि शरिया कानून की होड़ पर हिंदू कोर्ट खोलने का फैसला किया गया है, जो उनके पारिवारिक और आपसी भाईचारे के मामलों को निपटा सके। तो उनकी होड़ पर आप लोग ये लेके आ रहे हैं? अब होड़ शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन होड़ नहीं है, ये हमारी पैरेलल व्यवस्था है। ये कहीं देश के गद्दार है, ये वो लोग हैं जो जिन्ना की औलादे हैं, ये वो लोग हैं जो आज जिन्ना को यहाँ पर पूछते हैं। अलग हिंदू कोर्ट बनाने का इरादा रखने वाले ये हिंदू महासभा के लोग पहले हिंदू कोर्ट की तैयारी भी कर चुके हैं। इसे नाम दिया गया है श्री राम भवन। हमारी टीम इस अदालत का जायजा लेने के लिए श्री राम भवन के अंदर पहुंची। सब लोगों के जहन में ये चीज थी कि जो हिंदू कोर्ट है आखिर वो दिखता कैसा होगा, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो देश का पहला हिंदू कोर्ट है वो किस तरह से दिखता होगा। और हम अलीगढ़ में हैं और ये जो ज़िला हाथरस में ये कोर्ट बनाया गया है, और यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है वो बैठेगा और जो दूसरा पक्ष है वो जो सोफ़ा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ बैठेगा, और सामने ये जो कुर्सी है यहाँ पर ये जज की कुर्सी है जिस पर जज बैठेंगी। और हालांकि जो जज है उनके साथ साथ यहाँ पर मंत्री का भी एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। देश का पहला हिंदू कोर्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसे हिंदू न्यायपीठ नाम दिया गया है, लेकिन जिस कोर्ट का कोई संवैधानिक दर्जा ना हो वो कोर्ट करेगी क्या? जवाब सुनिए। इस कोर्ट की कथित जज पूजा शकुन तो फांसी तक की सजा सुनाने को तैयार बैठी है। किसी के भी साथ अत्याचार ना हो, कोई भी ठगा हुआ महसूस ना करे, ऐसी बात जो बता करके हम डिसीजन देंगे। जाहिर है संविधान को ताक पर रख दिया गया है, लेकिन हिंदू महासभा के इन दोनों पदाधिकारियों का दावा है कि वो कानून हाथ में नहीं ले रहे और ना ही कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसला लिया जाएगा सनातन धर्म के आधार पर होगा। आपने बोला कि हमने उस चीज को फॉलो रखा, तो कहीं बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, हम न्याय देंगे जो हमारे पास आएगा। बात खत्म। इंसाफ दिलाने से ज्यादा ये शरिया अदालतों के मुकाबले हिंदुओं की भावनाओं को उकसाने की कोशिश ज्यादा लगती है। मुसलमानों का दारुल कजा और हिंदू महासभा का हिंदू कोर्ट किस तरह काम करता है, इस तस्वीर को थोड़ा साफ करते हैं। देश में फिलहाल 100 दारुल कजा यानी शरिया अदालतें हैं। हिंदू महासभा आने वाले 6 साल में 600 हिंदू कोर्ट बनाने का दावा कर रही है। हम 600 तो दो साल के अंदर हम 600 कोर्ट तक पहुंच जाएंगे बहुत आराम से। हर जिले में हमारी एक कोर्ट होगी और कोर्ट का जो एक स्टैंडर्ड स्वरूप है वो आपको 2 अक्टूबर के बाद मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जी से रिलेटेड है और हम गांधी विरोधी हैं, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है। दारुल कजा में इंसाफ के लिए काजी होते हैं, हिंदू कोर्ट में इंसाफ जज करेंगे। दारुल कजा में सजा का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हिंदू कोर्ट में मौत की सजा के प्रावधान का दावा है। दारुल कजा में इस्लामिक शरिया के तहत फैसले होते हैं। हिंदू कोर्ट में वैदिक न्याय व्यवस्था के आधार पर फैसले करने की बात कही गई है। दारुल कजा के फैसलों को मानने के लिए मुसलमान बाध्य नहीं है। हिंदू कोर्ट में दोनों पक्षों को कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। हमारी कोर्ट में सीधा है, टिट फॉर टैट, जैसे पहले होता था श्री राम के दरबार में होता था। जिन्हें विश्वास है दोनों पक्ष आइए बैठिए, और हमारी कोर्ट में आने से पहले दोनों पक्षों को एक मेमोरेंडम साइन करना होगा कि जो हम कह रहे हैं उसको आपको मानना होगा। कोर्टसे को पूछने वाली हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन हिंदुओं के हितों की अनदेखी के लिए मोदी सरकार की ओर उंगली उठाती हैं, और जब हिंदू मुसलमानों के इतिहास और देश के बंटवारे की बात आती है तो महात्मा गांधी को भी कोसने लगती है। पूजा शकुन महात्मा गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार मानती है और बिना हिचक कहती है कि उस दौर में होती तो गांधी को खुद गोली मार देती। एक बाप ने जब दो बेटों को बांट दिया, टुकड़े कर दिए,
ये कहाँ का न्याय है, वो बाप कैसे हो सकता है। आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ आल्सो। आई एम सॉरी कि मैं शायद पैदा नहीं हुई, और अगर मैं पैदा होती तो पहले गोली मैं मारती। एंड आई स्टिल डेयर टू स्पीक इफ अगेन द गांधी विल टेक द प्लेस, आई द फर्स्ट पर्सन टू डू द सेम इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी। गोडसे को पूजने वाले और हिंदुओं के लिए अलग न्याय व्यवस्था खड़ी करने वाले हिंदू महासभा के पूजा शकुन और अशोक पांडे भले ही गांधी को राष्ट्रपिता ना मानते हो, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आप न्यायपालिका से अलग व्यवस्था खड़ी करके क्या संवैधानिक नियम कायदों को नहीं तोड़ रहे, तो उनके जवाब सुनिए। हमने सुना है कि आप लोग इस कानून के बाद अपना एक संविधान लेकर आ रहे हैं। अपना संविधान मतलब भारत के संविधान की अवहेलना करते हुए नहीं ला रहे हैं। हिंदू न्यायपीठ के अपने कुछ नियम कायदे कानून होंगे जिसके आधार पर हम काम करेंगे, वो भारत के संविधान के अंतर्गत होंगे, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है भारत के संविधान को चैलेंज करने का, ना ही हम कभी कर सकते हैं। हमारे लिए पहले भारत है। समाज को देखते हुए हम अपनी हिंदू न्यायपीठ का एक अलग बायलॉज लेकर के आएंगे। हमारे नियम कायदे कानून अपने हिंदू न्यायपीठ के अलग होंगे। संविधान हिंदू कोड की इजाजत नहीं देता, लेकिन हिंदू महासभा ने इलाके के प्रभावशाली लोगों और समाज सेवियों से समर्थन भी जुटाना शुरू कर दिया है। एक व्यवस्था जो कि शायद उम्मीद करते हैं कि ये हिंदू न्यायपीठ की व्यवस्था हमारे जुडिशियल सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, ना कि उसे सुपरसीड करने का काम करेगी। और तो न्याय प्रक्रिया इतनी महंगी है कि वकील की फीस, बाबू को दो, इसको दो, फिर भी न्याय महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। ऐसे में तो बहुत अच्छा सार्थक और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है मेरी नज़र में। भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी संस्थाओं, पंचायतों या खाप को सजा देने की इजाज़त नहीं देती है, लेकिन हिंदू कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बड़े ही गर्व के साथ ये भी कह रही हैं कि वो संविधान को मानती हैं और ताल भी ठोक रही हैं कि वो मृत्यु दंड भी देंगी। जो मैंने जो पढ़ा, जब आपने 15 अगस्त वाले दिन, उसमें ये भी था कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट विल बी डेथ, तो ऐसा कुछ है? Yeah, definitely. But that is the extreme of the extreme. But that will be there, but that will be the extreme of the extreme. Let us see, I pray to the God, such type of a situation should not arrive to us. But we are not going to... Yes, we will not be back on foot for that. गोडसे को पूजने वाले इन लोगों के न्याय शास्त्र पर सवाल उठाए जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून के दायरे में रहने का दावा करते हुए ये कानून तोड़ रहे हैं। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने हिंदू न्यायपीठ के गठन पर जानकारी मांगी है, साथ ही टीएम मेरठ और हिंदू कोर्ट की कथित जज पूजा शकुन पांडे को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। सर्वधर्म संभाव का संदेश देने वाले महात्मा गांधी को गाली देने वाले इस देश के किसी भी वर्ग को इंसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी सोच में नफरत है, जबकि हमारे समाज की बुनियाद है ये तराना। मजहब नहीं सिखाता आपस में भर रखना, हिंदी है।